खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा का जुलूस हर्षोल्लास। परंपरा के अनुसार निकलता शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ अलकनाथ मंदिर घड़ी चौक रंग रंग झांकियां निकली, जिसका अमन कमेटी बरेली पदाधिकारियों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोग रोजे की हालत में तेज धूप होने के बाद भी झांकियों के इंतजार में खड़े रहे। खुद प्यासे होने के बाद भी राम भक्तों को शरबत पिलाया। नदीम इकबाल ने राम निवास शर्मा को पगड़ी पहनाई। डॉक्टर कदीर अहमद ने जुलूस के मेन आयोजक को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। पाकिजा खान, मोनू खान, खुशनुमा, मोहम्मद कासिम अनस, शाहरुख खान, तकी रजा ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रामनवमी पर जो यात्रा जुलूस उठता है, इसका अमन कमेटी ने आज स्वागत किया और मुझे नीरज रस्तोगी का सम्मान जो इस यात्रा के साथ राम निवास शर्मा और जो इस यात्रा के साथ में पुलिस प्रशासन की मदद कर रहे हैं उनके सम्मान करने का शर्फ हासिल हुआ। और कितना मुकद्दस महीना है इबादत का, ये देखिए, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में ही ताकत है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हिंदू मुस्लिम सारे त्यौहार अपने साथ मना रहे हैं। और देखिए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है और आला हजरत नाथ नगरी से ये पैगाम जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से बरेली में जिस शहर में हम रहते हैं, अमन रहे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाए। हर त्यौहार में हमारे मुस्लिम भाई जो है हिंदुओं की रथ यात्रा पर और उस पर जो है पुष्प वर्षा करते हैं और मुसलमानों के त्यौहार पे वो सुविधाएं शरबत आदि देते हैं। यही इस हिंदुस्तान की और ख़ास तौर बरेली की ये पहचान है। और मैं ये चाहूँगा कि अमन कमेटी आगे भी यह सफ़र जारी रखे, यही मेरा ऐसा मानना है। अमन कमेटी सरकारी संगठन है या गैर सरकारी संगठन? गैर सरकारी संगठन है और राजनीतिक संगठन जी, गैर राजनीतिक संगठन है। हम हिंदू मुस्लिम राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए और प्रशासन के सहयोग के लिए काम करते हैं। और हम खास तौर से, मैं और हमारा संगठन उस संगठन के साथ में है जो हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश और बरेली की शांति के लिए काम कर रहा है। हम और हमारा संगठन अमन कमेटी का हर उस संगठन के साथ वो हमारा अलग स्टेज है। चूँकि हम जो है यहाँ पर अमन कमेटी के स्तर से बात कर रहे हैं, तो अमन कमेटी वो हमारा राजनीतिक अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम राजनीति में भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और करते रहेंगे। रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है। रामनवमी पर हम लोग जो हैं, जो अमन कमेटी जो मुस्लिम विंग है, वो यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रही है और मिठाई खिला रही है, ताकि बरेली शहर की हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। अमन कमेटी हमेशा से ही काम करते चली आई है। जो हिंदू भाई हैं अमन कमेटी के, वो मुस्लिम त्यौहार पर शरबत मिठाई खिलाते हैं। आज हिंदू भाइयों का त्यौहार है तो मुस्लिम भाई जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मुस्लिम पवित्र त्यौहार रमजान का महीना भी चल रहा है, आप लोग इतनी मोहब्बत से यहाँ खड़े हैं, जरा इसके लिए जनता को देखिए, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। अभी चंद मिनट में हमारा रोजा इफ्तार है, हम लोग रोजा इफ्तार में चले जाएंगे, ये लोग अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। तो ये महीना कितना अच्छा महीना है, इसमें दो त्यौहार एक साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।